أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد تمام قسم کی حمد و ثنا کبریائی اور بڑائی اس خالق کائنات کے لیے لائق و زیبہ ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا اور بیش بہا درود و سلام اس ذات مبارکہ مقدسہ پر جو ساری کائنات کے لیے رشد و ہدایت بنا کر کے بھیجے گئے سامعین کرام معزز دوستو نوجوان ساتھیوں بزرگوں اور بھائیوں آج بتاریخ 9 سितंबर 1999 بروز جمعرات کو ہماری اس مجلس کا آغاز ہو رہا ہے اللہ کی توفیق سے آج میں آپ حضرات کی خدمت میں کچھ ضروری باتیں بنیادی طور پر رکھنے کی کوشش کروں گا ویسے میرے اس لیکچر کا موضوع میری اس تقریر کا موضوع ہو سکتا ہے ایک دو مجلس میں اسے میں مکمل کروں میری تقریر کا موضوع ہے فیضان سنت یا فیضان بدعت آپ حضرات شاید اس حقیقت کو جانتے ہوں کہ ہمارے ہندوستان پاکستان بنگلہ دیش میں ملاوٹوں کا بڑا خاص رواج چلتا ہے ہر چیز کے اندر ملاوٹ کھانے پینے کی اشیاء ہوں یا پہننے اوڑھنے کی چیزیں ہوں یا تعمیر و بنا کی چیزیں ہوں
हर चीज के अंदर मिलावट चलती है। हमारे मुल्कों में ऐसे भी गंदुम नुमा जो फरोश मुल्लाने भी हैं जिन्हें देखें तो बरजस्ता वो शेर याद आता है किसी शायर का कि तरदामनी पे शेख हमारे न जाइयो, तरदामनी पे शेख हमारे न जाइयो, दामन निचोड़ें तो फरिश्ते वजू करें, दामन निचोड़ दें तो फरिश्ते वजू करें। ऐसा महसूस होता है जैसे बिल्कुल अभी अभी सिदरतुल मुंतहा से हजरत उतर के आए, ऐसे टीप ठाप और ऐसे अमामे और ऐसे कुब्बे जुब्बे और ऐसे पगड़ और ऐसे गाढ़े सुरमे और उसके ऊपर पानों से अपने लबों को जो उन्नाबी बना लेते हैं और जनाब अली इतनी बड़ी बड़ी जुल्फें और ओ खूब खत तराश खराश माशाल्लाह तबारकअल्लाह, ऐसा लगता है जैसे कि माशाल्लाह बिल्कुल अभी अभी टपके हैं हजरत। ऐसे लोग भी हमारे माहौल और हमारे माशरे में मौजूद हैं जिन्होंने दीन इस्लाम के अंदर भी मिलावटें शुरू की, खूब मिलावटें की और लेबल लगाया अहले सुन्नत वल जमात का। इसके पसे पर्दा जो गंदा खेल खेला जा रहा है और जो गंदा खेल खेला गया दुनिया बहुत कम उससे वाकिफ है। अक्सर ऐसे लोग हैं बेचारे जो ना वाकिफ हैं, ऐसे लोगों को आवाम में जुहला में काफी पजीराई हासिल है, काफी मकबूल आम हैं वो लोग बेचारे भोले भाले जो अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत रखते हैं। वो इनके मीठे मीठे अंदाज से, इनके दिलरुबा तरानों से, इनके दिलकश आवाजों से और इनकी खूब सुरीली और नई नवेली सुरों से और इनके नातों से और इनके गानों से खूब मस्त होकर महजूज होकर इनके दामनों से लिपटते हैं और इनके दाम में और इनके जाल में आ जाते हैं। हमारी माएँ बहनें हों या हमारे बच्चे हों या हमारे बूढ़े हों या जवान। और जनाब अली मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते मुबारका से किसको मोहब्बत नहीं है, किसको मोहब्बत नहीं है, सबको मोहब्बत है। जो भी कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह का दावा करता है उसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है। लेकिन ये मोहब्बत के पैमाने असल में कहीं कहीं कुछ और हैं, कहीं कुछ और हैं। मैं आज की मजलिस में इसे भी समझाने की कोशिश करूंगा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का मतलब और उसका मफहूम क्या है। अर्ज करने का मतलब यह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का सहारा लेकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत का टाइटल लगाकर उसके पसे पर्दा बिदात खुराफात किस्से कहानियां अफसाने झूठी रिवायतें बातिल चीजें मनगढ़त ख्वाब और अपने बुजुर्गों की वो ना खत्म होने वाली दास्तान बयान की जाती है कि अल्लामा वल हफीज। और तो और अपने दाम में अपने चंगुल में अपनी जाल में फंसाने के लिए लोगों ने ख्वाबों का एक अजीब व गरीब सिलसिला शुरू किया हुआ है और उन ख्वाबों पर अपने मजहब और अपने धर्म की बुनियाद रखी। जनाब अली किसी के ख्वाब में फला आ रहे हैं, किसी ख्वाब में कोई आ रहा है और तो और पैगंबर इस्लाम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह भी तशरीफ ला रहे हैं और वो हरी हरी गुंबद खजरा की जालियां और गुंबद खजरा के हरे हरे मॉडल लोगों को तसव्वुर कराया जाता है, बत्तियां बुझा के ईमान को लूटा जाता है और क्या कहा जाता है, अब लाइटें ऑफ होंगी बत्तियां बुझेंगी अब तसव्वुरे मदीना होगा, तसव्वुरे मदीना होगा। और उसमें हजरत जो तसव्वुरे मदीना, मुझे रियाद में हमारे एक दोस्त हैं अब की सफर में उन्होंने मुझे बतलाया और कहने लगे जैसे ही बत्तियां, हम तो गए वो हमारे यहाँ नौकरी करते थे, हम तो अच्छा समझ के लाए थे लेकिन उसने पूरा यहाँ गैंग बनाया, तो हम गए उसके यहाँ और उसने जो है एक गुंबद खजरा का एक फोटो
उसकी फोटो ला करके सामने रखा और उसके नीचे लाइट जलाई हल्की सी, जैसे हमारे यहाँ बम्मन ब्राह्मण जो होते हैं पुजारी, वो नारियल या अपनी देवी देवताओं के होटलों में देखें आप बाकायदे एक छोटी सी बत्ती लगा करके लाइट लाल सी और वो टाइटल के तौर पर रखते हैं। ऐसे इन्होंने भी जैसे शुरू किया और लाइट आपकी और जो है गाना शुरू किया, जैसे तसव्वुर मदीना शुरू हुआ, कहने लगे मैंने जो जो मेन था उसका, कहने लगे मैं अधेरा देखा, मैंने कहा मामला साफ है, अब इसमें पीट लो जिसको पीटना है, कोई कुछ नहीं कर सकता। उन्होंने कहा अल्लाह की जो मैंने उस जो अमीर था उनका उसके ऊपर उछला, उछल के जो मैंने उसकी गिरेबान पकड़ी और लगाना शुरू किया, मेरे साथ एक और आदमी था वो भी पीटना शुरू किया, तो सारे कमरे खोल खोल के भागे और कहने लगा पुलिस आ गई जद्दे में, रियाज में पुलिस आ गई, ये किसी सीआईडी ने खबर कर दी है, पुलिस ने धाड़ मारा है। बोले कोई नजर नहीं आया, सब गलियों में भाग गए और मैंने पकड़ा जिसको, उसको खूब पीटा और अच्छा पीट के मैंने कहा तुम खबीजो ये क्या कर रहे हो। तो ऐसे हमारे हिंदुस्तान पाकिस्तान में एक पार्टी निकली है इलियासी ग्रुप। मैंने कभी बतलाया था आपको तबलीगी जमात के ताल्लुक से कि तबलीगी जमात के जो फाउंडर हैं उनका नाम भी इलियास है। उनका नाम क्या है? मोहम्मद इलियास है। वो भी कादरी, हनफी, नक्शबंदी, चिश्ती, सहरवर्दी, मुराकिब, सूफी, मनुष्य आदमी थे। ऐसे ही अब ये जो अपने आप को बिदती लोग हैं, बिदत के जो सौदागर हैं, शिर्क जिनके घुट्टियों में पड़ी हुई है, जिनके सर के ऊपरी बाल से लेकर और तलवे तक जो शिर्क के अंदर बल्कि उसके ऊपर ही डूबे हुए हैं और उसके ऊपर शिर्क बह रहा है और बेचारे शिर्क में मुलव्विस हैं, हरी पगड़ी तोते शाह लोग जो हैं, ये लोग जनाबे अली, अब ये इन्होंने अब जब इनका चिराग गुल होने लगा और जब अल्हम्दुलिल्लाह किताब और सुन्नत की जो आधियां चल रही हैं, अल्लाह के फजल करम से जो तूफान किताब और सुन्नत का उमड़ आया है दुनिया के अंदर और लोग कुरान और सुन्नत की तरफ ज्यादा ज्यादा रागिब होने लगे हैं, तो फिर इन्होंने देखा अब हमारा चिराग जो है टिमटिमाने लगा है, तब इन्होंने एक दूसरी पार्टी बनाई। उस पार्टी का नाम जो है तहरीके इस्लामी रखा, तहरीके दावते इस्लामी, तहरीके दावते इस्लामी। हमारे एक भाई बैठे हुए हैं माशाल्लाह, ये प्रोग्राम मैं उनकी फरमाइश पर बिलखसूस पेश कर रहा हूँ, क्यों? इसलिए कि वो इस दावते इस्लामी के बहुत ही सरगर्म आदमी थे और अल्लाह ने उन्हें हिदायत दी, तौफीक दी, तो अल्लाह के फजल करम से अब वो कुरान सुन्नत की राहों पर गामजन है और तौबा किया उन्होंने। और फिर उन्होंने ही मुझे ये बात बतलाई कि आज हमारे हिंदुस्तान या पाकिस्तान के घर घर में, घर घर में ये किताब जो मेरे हाथ में मौजूद है जिसका नाम रखा गया है फैदाने सुन्नत, जिसका नाम है फैदाने फैदाने सुन्नत, ये किताब बाकायदे बतौरे शादियों में दुल्हनों को, हर एक को, जिस तरह तबलीगी जमात वालों ने और या देवबंदी जमात वालों ने वो बहिश्ती जेवर निकाली थी ना, जिसका बहिश्ती जेवर जो घरों में, अब इन्होंने अहले सुन्नत वल जमात का टाइटल लगाने वालों ने भी बाकायदे जनाबे अली ये फैजान सुन्नत के नाम से किताब निकाली है और घर घर के अंदर इसको तकसीम किया जाता है और घर घर में इसका दर्स होता है, जैसे फजाइल आमाल तबलीग निसाब का दर्स होता है, ऐसे इन्होंने भी उन्हीं के उस पर। तो मैं अर्ज ये कर रहा था कि जिस तरह इलियास साहब ने पार्टी बनाई, क्यों? जब बंदियत का चिराग गुल होने लगा और देवबंदियत दम तोड़ने लगी, देवबंदियत कदम कदम पे जलील और रुस्वा होने लगी और लोगों ने देवबंदियत के चेहरे से वो निकाब फाड़ा और उसके खतरनाक और भयानक अकीदों का जब मुशाहिदा शुरू किया, तो इलियास साहब कादरी ने दूसरी एक पार्टी निकाली जिसका नाम रखा गया तबलीगी जमात। ये पार्टी मैंने इसकी तारीख बतलाई है और मेरी कैसेट मौजूद है तारीख तबलीगी जमात। तो इसके फाउंडर थे जनाब मोहम्मद इलियास साहब, जो है मेवाती, दिल्ली के रहने वाले थे मेवाती। और फिर जब इन्होंने भी देखा सुन्नियों ने, ये सुन्नी अपने आप को कहने वाले जो बिदती हैं, तो बिदती खैर दोनों हैं, दोनों हनफी हैं, दोनों एक ही डगर के, एक ही राह के मुसाफिर हैं, बस जब देखा कि अब हमारे भी चिराग गुल हो रहे हैं, तो इन्होंने क्या किया जो है दावत इस्लामी के नाम से या एक और तबली इन्होंने बनाई सुन्नी तबलीगी जमात के नाम से इन्होंने जमात बनाना शुरू की। और फिर अब दावत इस्लामी के हाथ में ये फैजाने सुन्नत किताब दी गई। इंशाल्लाह मेरी तकरीर का मौजू यही फैजाने सुन्नत है, मैं इसी का पोस्टमार्टम करूंगा और मुझे ज्यादा तकलीफ करने की इनसे जरूरत नहीं है। ये लोग बरेलवी जमात के लोग हैं। कौन से जमात के लोग हैं? ये
بریلوی ہر دور میں ان کے نام وغیرہ بھی چینج کرتے رہے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے. یہ سب کٹر پنتھی ٹی ٹی ایس ٹنا ٹن سنی جس کو کہتے ہیں خار بریلوی کی بریلوی جماعت کے لوگ ہیں اور احمد رضا خان کو اپنا امام اپنا پیشوا اپنا مقتدا بلکہ احمد رضا کے بھی کتے اپنے آپ کو کہتے ہیں. یہ بھی اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں؟ احمد رضا کے کتے کہتے ہیں. صرف یہی نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کتے, یہ نہ جانے کن کن لوگوں کے کتے ہیں. بالخصوص اس کتاب کا لکھنے والا تو اپنا نام ہی نہیں ذکر کرتا ہے بلکہ جب بھی اپنا ذکر کرتا ہے تو سگے مدینہ ہی کہتا ہے, یعنی مدینہ کا کتا. بہت بھائی ہمارے ناراض ہوتے ہیں کہ جی آپ کتا ان کو کہہ رہے ہیں. میں نے کہا یار سمجھنے کی کوشش کرو, میں کتا اتا کسی کو نہیں کہتا, میرے کیا ضرورت ہے میں انسان کو کتا کہوں. اللہ نے تو لقد کرمنا, اللہ نے فرمایا کہ ہم نے بنی آدم کو بھئی عزت بخشی ہے, ہم نے عزت بخشی ہے, انہیں کتا نہیں بنایا. یہ اپنے منہ پلے بن رہے ہیں, کتے بن رہے ہیں, خنزیر بن رہے ہیں, سور بن رہے ہیں, بلی بن رہے ہیں, نہ جانے کیا کیا بن رہے ہیں, اپنے پیروں کے بیویاں بننے تک کا تصور کرتے ہیں. لوگ تو غلو اور محبت میں اپنے مرشدوں کی بیویاں بننے تک کا تصور اور تمنا کیے ہوئے رہتے ہیں. مولانا اشرف علی صاحب تھانوی کے خواجہ عزیز حسن صاحب مرید تھے جنہوں نے کتاب لکھی اشرف السوانح. اشرف علی صاحب تھانوی دیوبندیوں کے بڑے بڑے سرخیل امام ہیں بھائی, ان کے بارے میں کہتے ہیں خواجہ عزیز حسن صاحب اپنی ان کتاب جو ہے اس میں کہتے ہیں کہ جناب علی اشرف السوانح میں کہ حضرت میرے دل میں کبھی کبھی خیال آتا ہے اور بلکہ بڑی شدت کے ساتھ یہ خیال آتا ہے کہ کاش میں آپ کی بیوی ہوتی. استغفراللہ بھائی, یہ بھی کوئی محبت ہے یار؟ بھائی محبت کا انداز یہ بھی کوئی کہ آدمی عورت بننے کی تمنا کرے؟ بھائی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین الحمدللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت کرتے تھے, لیکن اتنا گھٹیا تصور تو صحابہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں رکھتے تھے کہ اے اللہ کے نبی نعوذ باللہ کاش میں بیوی ہوتی یار, یہ کوئی بات رہی؟ لیکن بہرحال محبت کا اپنا اپنا انداز ہے, عشق کا انداز ہی کچھ نرالا ہے. اصل میں ان لوگوں کے ہاں عشق کا جو انداز ہے کچھ عجیب و غریب ہے. بیوی ہی بننے سے ہی عشق کی تکمیل ہوتی ہے, بولو. عشق اور محبت کی معراج وہی ہے جہاں آدمی بیوی بن جائے. ہمارے ہاں تو بھائی اس کو عشق اور محبت کی موت کہتے ہیں. اگر کسی سے شادی ہو گئی تو کہتے ہیں عشق و محبت کی موت ہے. کیوں عشق و محبت اس کو نہیں کہتے ہیں؟ عشق و محبت تو یہ ہے کہ سوزش ہو, جلن ہو, تڑپ ہو, ہے نا. لیکن بہرحال تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ کتا ہر ایک اپنے آپ کو بنتے ہیں. میں بتاؤں گا ابھی اس میں باقاعدے بڑی تفصیلات ہیں. المہم میں زیادہ انٹروڈکشن میں اس کے تعارف میں زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا. بنیادی طور پر آپ یہ سمجھیں کہ یہ بریلویت کا ایک نیا روپ ہے, اس کی نئی شکل ہے, ایک نئی صورت ہے. جو بریلویت یقین آپ اس کی کتابوں کے حوالے سے احمد رضا خان صاحب کے ملفوظات, فتاوی افریقیہ اور دیگر جو ان کی کتابیں اس کو پڑھ لیں, سراسر لفظ سے شرک اور بدعت اور خرافات ٹپکتے ہیں اور یہ مکمل طور پر مشرک, قبر پرست, مردوں کی ہڈیوں کو بیچ کے کھانے والے, مردوں کو پکارنے والے, مردوں سے مدد طلب کرنے والے, اللہ کے نبی کے مقام پر اپنے اماموں اپنے پیروں مرشدوں کو بٹھانے والے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا کا پورا خدائی طاقت و قوت دینے والے, یعنی یہ ان کے کفر اور ان کے شرک میں جن کے اوپر حجت قائم ہو چکی ہے, جو بریلویت کے ٹولوں کے بڑے بڑے سردار ہیں. عام بریلوی بیچارے تو ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں بریلوی ہوں تو کیوں. انہیں نماز روزے کی جو میں بتا رہا ہوں تو بڑے بڑے جو جن کے اوپر حجت قائم ہو چکی ہے قرآن و سنت کی, یہ سارے کے سارے مشرک ہیں اور یہ سارے کے سارے جہنمی ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ قبر پرست لوگ ہیں اور یہ مشرک ہیں. ان کی کفر میں اور ان کے شرک میں شک کرنے والا بھی مشرک ہے, کافر ہے, اس لیے یہ کھلم کھلا مشرک ہیں. اب یہ اپنے آپ کو دعوت اسلامی کے نام سے یاد کریں یا کسی بھی ٹائٹل سے آئیں گے, ہم ان کو الحمدللہ اچھی طرح, وہ شیر رئیس امروہی کا مجھے یاد آ رہا ہے جس میں انہوں نے کہا تھا کہ تمہیں ہم جانتے پہچانتے ہیں, کبھی ہم سے اداکاری نہ کرنا. تو یہ جس بھی بھیس میں آئیں گے الحمدللہ ہم انہیں اچھی طرح سے پہچانتے ہیں. تو مولانا محمد الیاس صاحب نے وہ پارٹی بنائی, تو الیاس قادری صاحب نے, جن کو میں نے الیاس پادڑی کا لقب دیا ہے, یہ قادری نہیں بلکہ یہ اسلامی پادڑی ہیں. کیا ہیں یہ؟ پادڑی. سمجھ میں پادڑی کس کو کہتے ہیں؟
पादरी किसको कहते हैं पता है आपको? पादरी उन्हें कहा जाता है जो दीने मसीह को, दीने मसीह यानी ईसा अलैहिस्सलाम के लाए हुए दीन की शक्लो सूरतों को मस्ख करके उम्मत के अंदर, ईसाइयों के अंदर पेश किया, उनको फादर या उनको पादरी कहा जाता है। और वही झूठे दीन को लोगों के अंदर फैला रहे हैं, उनको पादरी कहा जाता है। तो ये भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाए हुए दीन को, धर्म को, जो दीन इस्लाम है, उसकी शक्लो सूरत को इन लोगों ने दुनिया के अंदर मस्ख किया है, ईसाइयों की तरह, यहूदियों की तरह उसकी शक्लो सूरत को बदला है। इसलिए मैं इन्हें इलियास पादरी के नाम से याद करता हूं। ये भी इलियास कौन है? पादरी। अल्लज़ी ला याती मिन्हु इल्लल यास, सिवाय ना उम्मीदी के इनसे और किसी चीज की तमन्ना हम नहीं रखते हैं। तो अर्ज करने का मतलब यह है मेरे अजीज, मैं इंशाल्लाह इस किताब का पोस्टमार्टम आप हजरात की खिदमत में रखूंगा। शरे दस्त आइए मैं चंद बुनियादी बातें, हाँ तो मैं अर्ज ये कर रहा था कि इनके जो उलमा हैं बड़े बड़े, इनके कुफ्र और शिर्क में तो खैर कोई शक ही नहीं है, ये तो व्यापारी हैं, हम भी उन्हीं टोलों के कभी मुरीद थे और हम भी उन्हीं राहों के मुसाफिर थे, और आप लोग भी माशाल्लाह उन्हीं गलियों से वाकिफ कार लोग हैं, और लानतें भेज के अब अल्लाह ताला ने हिदायतें अता फरमाई हैं तो सही राहों पर आए हैं। अल्लाह का शुक्र अदा करें हम भी और आप भी कि अल्हम्दुलिल्लाह जिसने हमें सही राहों की हिदायत दी और इनके टोलों से निकल करके हम लोग आए हैं। अब ये हमारे सामने अगर अपने घर का जिक्र करें तो हम तो यही कहेंगे कि बेटा नानी के आगे ननिहर जिक्र नहीं करते, तुम्हारे रोंगटे रोंगटे से बंदे नाचीज वाकिफ है, अब तुम हमारे सामने बड़कपन न करो, ना हमारे सामने ज्यादा उछलो न कूदो, हम तुम्हारी एक एक रग से वाकिफ हैं और अल्लाह का ये शुक्र है। तो इन्होंने जाहिल अवाम को, बेचारों को बड़ा अजीबो गरीब सबक पढ़ाया है, जिस तरह तबलीगी जमात वाले बेचारे जाहिलों को खूब अजीबो गरीब सबक पढ़ाते हैं कलिमा और नमाज की आड़ में, इस तरह से वो अपने मजहब की और देवबंदियत के फिक्र की तबलीग और नशर इशाद करते हैं, इसी तरह इन बेचारों ने भी फैजान सुन्नत का नाम लेकर सुन्नत की आड़ में खूब बिदतों को और अपने बाप दादाओं के करामतों, और उन करामत तो क्या है, शोबदेबाजियों को करामत उसे न कहें, करामत का दूर जो होता है ना वो औलिया अल्लाह के हाथों पे होता है, अल्लाह ताला जाहिर फरमाता है जो औलिया अल्लाह हैं, ये लोग तो औलिया शैतान हैं, ये औलिया रहमान नहीं बल्कि ये औलिया शैतान हैं, ये और इनके जितने टोले, इनके दादा परदादा और इनके आबा वजदाद, बरेलवियत का पूरा टोला और सूफियायत का पूरा निजाम सब औलिया शयातीन हैं ये, और इसमें मुझे शक नहीं है। जिस तरह सूरज के निकले हुए सूरज को मैं देख रहा हूं और उसके अंदर हमें शक नहीं है, इसी तरह इनके पूरे टोले जितने भी हैं ये बदअकीदा और बदमजहब लोग, इनके औलिया शैतान होने में कोई शक नहीं है मुझे यकीन है। क्यों? इसलिए कि एक एक चीजें मेरे सामने वाजे हैं और मैं एक एक चीज को आईने की तरह देख रहा हूं, इनके पूरी तस्वीर को और पूरी हकीकत को। तो अर्ज करने का मतलब यह है कि इन्होंने जाहिल बेचारों को जिस तरह तबलीगियों ने कलमा नमाज की आड़ लेकर के उन्हें गुमराह किया हुआ है, इसी तरह यह भी अब एक नया रूप, मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, क्या नाम दिया है, मीठे मीठे, हाँ, कड़वे कड़वे थू, मीठा मीठा गप और कड़वा कड़वा थू, मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, हजरत की शान क्या है अभी मैं बताऊंगा, इनके वालिद मोहतरम की क्या शान है वो भी बतलाऊंगा जनाबे अली। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, सगे मदीना, मदीने का कुत्ता यहाँ गया तो मदीने का कुत्ता यहाँ गया, इस तरह से ये हजरत बयान देते हैं, वो तो आप समझेंगे और पढ़ेंगे इंशाल्लाह, और हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह एक दो मजलिस में। अलमुहिम मेरे अजीज, मेरे दोस्त, जाहिलों को इन्होंने सबक पढ़ाया हुआ है कि देखना जो तुम्हारी या हमारी मुखालिफत करे उसको वहाबी कहना, वो वहाबी लोग हैं, जैसे देवबंदियों ने अपने मजहब की मुखालिफत करने वालों को गैर मुकल्लिद का नाम दिया हुआ है कि ये गैर मुकल्लिद हैं। और एक मौलवी जाहिल, अल्लाह इन देवबंदियों को भी हिदायत दे, कहता है कि जिस तरह से कोई औरत ऑल इंडिया फ्री होती है, इसी तरह गैर मुकल्लिद के माँ और बाप भी ऑल इंडिया फ्री होते हैं। अस्तग़फिरुल्लाह, यानी जो औरत जिसका कोई शौहर नहीं, मिसाल दिया है, मुकल्लिद वो है जिस औरत का कोई शौहर हो, जिस औरत का
اور غیر مقلد جو اہل حدیث اپنے آپ کو کہتے ہیں اس عورت کی طرح ہیں جن کا کوئی شوہر, جن کا کوئی شوہر, بولو بولو, وہ آل انڈیا فری کہتا ہے کہ وہ آل انڈیا فری ہوتے ہیں. اور ابھی ابھی میرے ذہن میں ایک عجیب بات آئی ہے, ہم کہتے ہیں جس عورت کا کوئی ایک شوہر ہو, اگر مثال ہی لینا ہے, نعوذ باللہ, میں اس پہ مثال نہیں دیتا ہوں, میں مثال ایک غیر مقلد یا مقلد کی مثال, وہ تو بے مثال شخصیت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. اگر کوئی عورت ایک شوہر کو, ایک شوہر کے در کو چھوڑ کر کسی اور کے در پہ سر جھکائے, کسی اور کے در پہ جائے کوئی عورت, تو اس عورت کو کیا کہا جاتا ہے؟ ہاں ہاں ہرجائی, ہاں اس کو ہرجائی کہا جاتا ہے, ہرجائن کہا جاتا ہے, ہر جگہ جانے والی, اس کو رنڈی کہا جاتا ہے, اس کو طوائف کہا جاتا ہے. اور قرآن نے اسی لیے, اللہ نے زانی کو اور مشرک کو, زانیہ عورت کو اور مشرک کو ایک ساتھ بیان فرمایا ہے قرآن کریم میں کہ لا ین ان کیا ہے وہ, لا ينكحها الا زان او مشرک, الزانیہ تو لا ينكحها الا زان او مشرک, مشرک زانیہ جو عورت ہوتی ہے اس سے نکاح جو کرتا ہے یا تو زناکار آدمی ہی کرتا ہے یا مشرک کرتا ہے. اللہ نے یہاں زانی اور مشرک کو اکٹھا کیوں بیان کیا؟ ایک زانیہ عورت کے مقابلے میں زانی اور مشرک کو اللہ نے اکٹھا کیوں بیان کیا؟ اللہ کا کلام بہت بلیغ ہے, سمجھنے کی ضرورت ہے. اللہ نے زانی اور مشرک کو اس لیے بیان کیا کہ جس طرح ایک زانیہ جو ہوتی ہے اپنے شوہر کے در کو چھوڑ کر غیروں کے در پہ جاتی ہے اور اپنے شوہر کے بسترے میں غیر مرد کو شریک کرتی ہے اور لعنتی ہوتی ہے, اسی طرح مشرک بھی ہوتا ہے جو رب کے در کو چھوڑ کر غیروں کے دروں پہ جا کے سر جھکاتا ہے. اس لیے اللہ نے زانی اور مشرک کو اکٹھا بیان کیا ہے. سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ ہاں, دونوں کو اکٹھا بیان اسی لیے رب نے کیا ہے کہ زانیہ نے اپنے شوہر کے در کو چھوڑا تو اسے زانیہ کا خطاب ملا, اس نے اللہ کے در کو چھوڑا غیر اللہ کے در پہ گئی تو اسے کس کا خطاب ملا؟ مشرک کا خطاب ملا. ہم کہتے ہیں ہم نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا پٹا اپنے گردن میں ڈالا ہے, اب ہمیں کسی اور کی غلامی پسند, ہم کوئی تمہاری طرح رنڈی یا طوائف نہیں ہے جو ایک کو اپنا رہبر اور رہنما اور ایک کھوٹے سے باندھنے کے باوجود دوسروں کے دروازوں پہ سونگھتے ہیں, دوسروں کی چوکھٹوں پہ سونگھتے پھرتے ہیں. جاؤ, ہم نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن پکڑا ہے, ہم تم آل انڈیا فری ہو, تم آل ورلڈ فری ہو, ہو کی نہیں ہو؟ محمد الر جو عورت اپنے شوہر کا در چھوڑ دے, جو عورت اپنے شوہر کا در چھوڑ دے وہ آل ورلڈ فری ہو جاتی ہے, اور جو لوگ اپنے نبی کا در چھوڑ کر غیروں کی چوکھٹوں کو بوسا دیتے ہیں, غیروں کی چوکھٹوں پہ جب عیسائی کرتے ہیں اور نبی کا در چھوڑ کر غیروں سے جا کر کے ان کو اپنا امام مانتے ہیں, وہ آل ورلڈ فری ہوتے ہیں. تم تو توائے پر رنڈیوں سے بھی بدتر ہو, وہ تو پھر بھی دو چار پہ اکتفا کرتی ہے, تم نے بارہ بارہ سولہ سولہ, تمہیں تو ابھی تک قیامت تک نہ جانے تم کتنے اماموں کے دروں کے اوپر جا کر کے اپنے سروں کو جھکاؤ, ابھی تک نہ جانے. قادریت بھی ہے, چشتیت بھی ہے, نقشبندیت بھی ہے, سہروردیت بھی ہے, پتہ نہیں ولی اللہیت بھی ہے, قاسمیت بھی ہے, نانویت بھی ہے, طیبیت بھی ہے, دیوبندیت بھی ہے, نہ جانے کتنی نسبتیں تم نے لگائی ہوئی ہیں. ہم نے صرف ایک نسبت لگائی ہے اور وہ ہے مدینے والے کی نسبت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب آئی سمجھ میں؟ میں سمجھتا ہوں یہ اس کا جواب ہو گیا ہوگا, کافی ہے اتنا اس منحوس کو سمجھنے کے لیے. اور اس نے گالیاں دی ہیں ہندوستان میں ایک بیچارے لڑکا ہے بھی جرجی سنساری کو, اس کے مقابلے میں یہ نجس طاہر القادری ہے نا پاکستان میں, ہمارے ہیں بہار میں طاہر گیاوی جس کو میں نے نجس گیاوی کا نام دیا ہوا ہے, میں نے اس سے میرے بات چیت ہوئی
बिल्कुल भीगी बिल्ली बन के म्याऊं म्याऊं कर रहा था मेरे सामने, और बहरहाल वो कैसेट आएगी इंशाल्लाह। तो जनाब अली वो मऊनाद भंजर में बेचारे जर्जीज को ऐसी ऐसी गालियां दी हैं कि मैं कभी सुनाऊंगा इंशाल्लाह, मैं लाऊंगा स्टेज पर उसे भी, और वो गालियां ऐसी ऐसी। और ये उलमाए देवबंद का रूप, मुझे हैरत हुई इसको गालियां दिलाने के लिए मनहूस को, और उलमाए देवबंद और इतनी गालियां उसे दी हैं कि अल्लाह की पनाह। मैंने पुलिस, हमारे एक दोस्त ने बताया कि मऊ की पुलिस ने ये कहा, कहने लगे कि वो जो अपने आप को वहाबी कहते हैं या अहले हदीस लोग हैं, उनके मौलवी तकरीर करते हैं तो कुरान और हदीस की रोशनी में तकरीर करते हैं, वो तो अल्लाह रसूल की बात करते हैं, हिंदू पुलिस, और ये कौन सी ग्रुप के लोग हैं कि जब इनकी तकरीर होती है तो उनको गालियां ही देते हैं, उनको सिर्फ गालियां देते हैं। ये हाल है इनका, ये हाल है, बिलबिला रहे हैं ये। तो अर्ज करने का मतलब यह है कि मेरे अजीज, इस तरह के जो है हादसात होते रहते हैं। बहरहाल तो मैं अर्ज ये कर रहा था, मैं क्या कह रहा था, मैं अर्ज, मेरे साथ आप भी बहुत ज्यादा दूर निकल जाते हैं असल में, समझ रहे हैं। मैं अर्ज ये कर रहा था कि बिल्कुल ये जो किताब है इंशाअल्लाह तबारक ताला, इसके पूरे नमूने आप जो है सुनेंगे। और मैं अर्ज ये कर रहा था कि बच्चे बच्चे को इन्होंने ये सिखाया हुआ है कि जो तुम्हारी मुखालिफत करे, जो तुम्हारी मुखालिफत करे वो क्या है, वहाबी है। और देवबंदियों ने सिखाया हुआ है जो तुम्हारी मुखालिफत करे वो गैर मुकल्लिद है, ला मजहब है, ये है वो है, दुनिया भर का वो सिखाते हैं। उस जाहिल बेचारे को ये पता नहीं है कि कलमे का माना क्या है, कलमे का मफहूम क्या है। नमाज नहीं पढ़ता वो, सिवाय नियाज और फातिहे और स्वयं द्वयम चहलुम सुबरात के हलवे और मुहर्रम के खिचड़े और ग्यारहवीं बारहवीं के मुर्गे और बकरे के सिवा उसे गरीब को कुछ पता नहीं है। लेकिन इतना जरूर उसे नमाज कैसे पढ़ा जाए, सब में कैसे खड़ा हो जाए, और जो है सजदे में क्या पढ़ा जाए, बैन सजदेन क्या पढ़ा जाए, ईमान के अरकान कितने हैं, इस्लाम के अरकान कितने हैं, इसका कोई पता हमारे यहाँ के इन 70% मुल्ला ने नहीं देते हैं। अलबत्ता अगर उसके सामने आज आप एक जाहिल है तीजे और फातिहे की मुखालिफत कर दें, आपको नीचे से ऊपर तक नाप लेगा वो अपनी नजरों में, कहेगा यार मुझे लगता है कि तुम वहाबी हो चुके हो। हाँ, क्या हो चुके हो, अल्लाह मुझे हैरत होती है, इसे अपने नबी का नाम नहीं मालूम, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब पैदा हुए ये नहीं मालूम, अल्लाह के नबी ने नमाज कैसे पढ़ी ये नहीं मालूम, और तो और छोड़ो ला इलाहा इल्लल्लाह सही ढंग से पढ़ना नहीं आता, इसे ला इलाहा इल्लल्लाह का माना और मतलब नहीं मालूम, इसे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का माना और मतलब नहीं मालूम, इसे अरकाने इस्लाम नहीं मालूम, इसे अरकाने ईमान नहीं मालूम, रोजा किन किन चीजों से टूटता है ये नहीं मालूम, लेकिन इतना इसे जरूर मालूम है कि ये जो फातिहा और ग्यारहवीं की मुखालफत करे वो कौन है, वहाबी है, वो वहाबी है, ये इसको पता है, उसको पता है, हाथ सीने पे बांधे वहाबी है, रफ देन करे वहाबी है, ये निशानियां इनके जहनों में बिठा दी गई हैं, इन गरीब बेचारे मुसलमानों के जहन, इनकी औरतें सीने पे हाथ बांधें वो वहाबन न कहलाएं, हैं वो वहाबन, अल्लाह इनके घरों में हमारे डेलीगेट मौजूद हैं भाई, हाँ हमारे नुमाइंदे, और मैं कहता हूं तुम वोट डलवा लो अपने घरों में सीने के ऊपर हाथ बांधने के, हम जीतेंगे, तुम्हारी तुम्हारी बीवी, तुम्हारी बहन, तुम्हारी बहू, तुम्हारी मां जरूर होगी, तुम्हारी अपनी होगी, लेकिन जब हम कहेंगे बीवी सीने पे नियत बांधने के लिए वोट किसको दोगी, तो हम वहाबियों की वोट मिलेगा इंशाल्लाह, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कहेगी तू शौहर है तो ठीक है, तू मेरा बाप है तो ठीक है, तू मेरा भाई है तो ठीक है, लेकिन सीने पे नियत बांधने के लिए वोट तो मैं महराज रब्बानी ही के खाते में डालूंगी, क्यों, इसलिए कि सीने पे हमारे नबी ने वोट बांध, देखें आप हमारे डेलीगेट अल्हम्दुलिल्लाह नुमाइंदे इनके घर घर में मौजूद हैं, मौजूद हैं अल्हम्दुलिल्लाह, वक्त आएगा एक इनकलाब आएगा और नबी की सुन्नतें इसी तरह जिंदा होंगी, इसी तरह जिंदा होंगी इंशाल्लाह, ठीक है। तो अर्ज कर रहा था मैं कि मेरे अजीज इस तरह से सिखलाया हुआ है, इसलिए बतलाया हुआ है,
इन बेचारों को सही ढंग से पता नहीं है दीन क्या है, इस्लाम क्या है, लेकिन ये जरूर मालूम है कि वहाबी कौन है, ये कौन है। औज़ु बिल्लाह, मेरे अजीजो आओ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत के ताल्लुक से, सुन्नत किसको कहते हैं, अल्लाह के नबी की मोहब्बत का मतलब क्या है, नहायत ही इख्तिसार के साथ मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूं और उसके बाद मैं अपने मौजू की वजाहत करूं। आप जानते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस दुनिया में क्यों भेजा गया। इस दुनिया में इसीलिए नबी करीम को भेजा गया ताकि शिर्क का खात्मा हो और वो बिदात जो दीन के नाम पर पिछले जमाने से चले आ रहे थे उनका खात्मा हो, नबी की सुन्नत का निजाम नाफिज हो, अल्लाह का कानून नाफिज हो, तौहीद का गलगला हो और सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की छाओं में लोग जिंदगी बसर करें। अल्लाह वहदहु ला शरीक ने इसीलिए कुरान करीम में फरमाया कि मैं युतअ रसूल फकद अता अल्लाह, जिसने रसूल की इताअत की उसने दर हकीकत अल्लाह की इताअत की, जिसने रसूल की इताअत की उसने दर हकीकत किसकी इताअत और पैरवी की, अल्लाह की इताअत। ये मकाम है मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पे अमल करने का, कि नबी की सुन्नतों पर चलोगे तो दर हकीकत किसकी इताअत और किसकी राहों पर तुम रहोगे, अल्लाह वहदहु ला शरीक की राहों पे तुम रहोगे। वमन तवल्ला, अल्लाह ने फरमाया और जो मुंह फेर लेगा, फमा अरसलना का अलैहिम हफीजा, तो ऐ नबी हमने आपको उन लोगों के ऊपर निगरा नहीं बनाया है, छोड़ दे उनको, मुंह फेर रहे हैं इस यहां मुंह फेर रहे हैं तो कल आखरत के अंदर भी हम इनसे मुंह फेर लेंगे। इसी तरह से अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नबी के भेजने का मकसद कुरान करीम में बयान फरमाया, हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिलहुदा वदीनिल हक़ लियुज़हिरहु अलद्दीन कुल्ली। अल्लाह ने फरमाया कि हमने रसूल को भेजा और दीन हक दे करके भेजा, अमल सालेह दे करके भेजा, दीन दे करके भेजा ताकि तमाम दीनों के ऊपर इस दीन इस्लाम को गालिब करें, ताकि तमाम दीनी कुल्ले तमाम दीन खत्म हो जाएं और सिर्फ एक दीन बाकी रहे जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर के आए हैं। और चुनांचे हमारे नबी आए, लोगों ने मानना शुरू किया, तारीकियां छटना शुरू हुई, लेकिन कुछ मुखालिफिन भी पैदा हुए और ऐसे मुखालिफिन अल्लाहु अकबर, सुन्नत रसूल के मुखालिफिन अल्लाहु अकबर। कुरान करीम में अल्लाह ने उनका नक्शा खींचा है और अल्लाह से दुआ करो और अपने अपने दिल का जायजा लो, कहीं तुम्हारे अंदर भी वही बीमारियां तो नहीं है, अगर हैं तो तौबा करो। बीमारियां अल्लाह ने जिक्र फरमाई और वो बीमारियां क्या थी, नबी के दुश्मन कौन थे, सुनो अल्लाह वहदहु ला शरीक ने फरमाया, वइज़ा क़ील लहुम इत्तबिऊ मा अंज़ल अल्लाह क़ालू बल नत्तबिऊ मा अल्फ़ैना अलैहि आबाअना अवलौ काना आबाउहुम ला याक़िलूना शैय़अन वला यहतदून। सूरह बकरा आयत नंबर 170। अल्लाह ने फरमाया कि जब नबी ने दावत पेश की, तौहीद की, सुन्नत की और उनके सामने कहा कि आओ हम उन बातों को माने, उन बातों को लें, उन बातों की इत्तेबा और पैरवी करें जिन बातों को अल्लाह ने नाजिल फरमाया है, जिन बातों का सबूत अल्लाह ने पेश किया है, जिन बातों की तालीम अल्लाह ने दी है, आओ उनको माने। तो उन्होंने क्या कहा, कहने लगे बल नत्तबिउ मा अल्फ़ैना अलैहि आबाअना, नहीं नहीं हम तो उन्हीं बातों को मानेंगे जिन बातों पर अपने बाप दादाओं को हमने पाया है, अपने बाप दादाओं को हमने पाया है, हम उन्हीं बातों को मानेंगे, तुम्हारी बातों को हम नहीं मानेंगे। अल्लाह ने फरमाया अवलौ काना आबाउहुम, क्या ऐसा नहीं था कि उनके बाप दादे ला याकिलूना शैयन, कोई बात की समझ नहीं रखते थे, वला यहतदून और ना ही वो सीधी राहों पर थे, ना ही वो सीधी राहों पे थे। ये उन मुशरिकीन का जवाब था, नबी के उन मुखातिबीन का जवाब था जिनके माहौल में कुरान उतर रहा था, नबी दीन इस्लाम लेकर के आया था। तो ये बीमारी उन लोगों की थी, अपने अपने दिलों को टटोलो, कहीं नबी की सुन्नत का जिक्र आए तो तुम्हारे दिल में यही वसवसे तो नहीं पैदा हो रहे हैं कि हमने अपने बाप दादाओं को तो इस तरह पाया, ये तो इस तरह बता रहे हैं, नहीं नहीं हमारे बाप दादाओं ही का दीन सबसे बेहतर है, ऐसा तो नहीं। अगर ऐसा है तो फिर तुम में और उनमें कोई फर्क, कोई फर्क तुम में कोई सुरखाब के पर नहीं लगे हैं, वो भी मक्के के बाशिंदे थे भाई,
इसलिए और इसी तरह से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इन एक जगह और ऐसे लोगों का नक्शा खींचा है, सूरह माईदा आयत नंबर 104 में अल्लाह वहदहु ला शरीक ने फरमाया, वइजा कील लहुम तआलू इला मा अंजलल्लाहु व इला रसूलि कालू हसबुना मा वजदना अलैहि आबाउना। जब उनसे कहा गया कि आओ इला मा अंजलल्लाह, तआलू इला मा अंजलल्लाह, आओ उन बातों की तरफ जिन्हें अल्लाह ने कुरान में उतारा है, वह इला रसूल, और आओ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ, आओ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम की तरफ, कुरान की तरफ आओ, और किसकी तरफ आओ, सुन्नते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ आओ। कालू कालू, उन लोगों ने कहा, हसबुना मा वजदना अलैहि आबाउना, हमारे बुजुर्ग जो करते आए हैं वही हमारे लिए काफी है। अल्लाह, हमारे बड़े बुजुर्ग जो करते आए हैं हमारे लिए क्या है, वही काफी है। ये उनकी रवश थी, ये उनका तरीका था। किनका? अच्छे लोगों का। बुरे लोगों का? कहीं उसी तरीके पर तुम तो नहीं चल रहे हो? हमारी माए बहने, हमारी बहू बेटियां, हमारे भाई, हमारे बुजुर्ग उसी तरीके पे तो नहीं चल रहे हैं? अपने अपने दिलों को टटोलो, अगर वो तरीका है तो फिर जहन्नम का तरीका है, वो रविश है तो फिर जहन्नम की रविश है, वो इस्लाम की रविश नहीं है। इस्लाम की रविश क्या है? अल्लाहु अकबर, इस्लाम की रविश कुछ और है। अल्लाह वहदहु ला शरीक ने बयान फरमाया इस्लाम की रविश क्या है और इस्लाम के मानने वाले क्या कहते हैं। अल्लाह तबारक तआला ने सूरह नूर में फरमाया क्या कि जो इस्लाम की रविश पे हैं, सही लोग हैं, वो कौन हैं? इन्नमा काना, सूरह नूर आयत नंबर 52 यानी 52। अल्लाह तबारक तआला ने फरमाया, और जाके कुरान में देखो, जाके कुरान में इसको देखो, इन आयतों को नोट करके कि इसकी तफसीर क्या है। अल्लाह तबारक तआला ने फरमाया, इन्नमा काना कौलल मुमिनीना इज़ा दुऊ इला अल्लाही व रसूलिही, जब मोमिनों को अल्लाह और उसके रसूल की तरफ बुलाया जाता है, लियहकुम बैनहुम, ताकि उनके दरमियान फैसला किया जाए, ताकि उनके दरमियान जो बातें वाजे हैं वो तो वाजे हैं, कभी इख्तलाफी बातें होती हैं तो उन्हें कहा जाता है कि आओ आओ, कहां, कुरान और सुन्नत की तरफ आओ ताकि फैसला हो जाए, तो क्या कहते हैं, अय यकूलू समिअना व अताअना व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून, तो वो मोमिनीन क्या कहते हैं, हमने सुना, हम इसकी इताअत और पैरवी करने के लिए अपने सरों को झुकाते हैं, अल्लाह और उसके रसूल का फैसला हमारे सरांखों पे होता है। अल्लाह ने फरमाया, उलाइका हुमुल मुफ्लिहून, वही लोग फलाह पाने वाले हैं, वही लोग कामयाब होने वाले हैं, वही लोग फौज़ो फलाह से हमकिनार होने वाले हैं। अल्लाह ने फरमाया, वमन युतिल्लाह व रसूलहु व यख्शल्लाह व यत्तकह फ़ाउलाइका हुमुल फाइज़ून, तो जो लोग अल्लाह की इताअत करते हैं, रसूल की इताअत करते हैं और अल्लाह का डर अपने सीनों में रखते हैं, परहेजगारी अख्तियार करते हैं, उलाइका हुमुल फाइज़ून, वही लोग कामयाब होने वाले हैं, आखिरत के दिन वही लोग दुनिया में भी और आखिरत में भी कामयाब होने वाले हैं। सूरह नूर आयत नंबर 52। तो यह है मोमिनीन का कौल, यह है मोमिनों का तरीका, और पहले जो बतलाया वो किसका तरीका है, काफिरों और मुशरिकों का तरीका है, कि जब उन्हें अल्लाह रसूल की तरफ बुलाया जाता है कहते हैं, हसबुना मा वजदना अलैहि आबाना, हमने बाप दादाओं की फिक्र पाया। मेरे अजीज, हमारा नबी दावत देना जब शुरू करता है तो इस तरह के दो ग्रुप बनते हैं, एक ग्रुप वो था हसबुना मा वजदना का, हमने बाप दादाओं को उसी तरह पाया, एक ग्रुप वो था जिसने कहा आमन्ना व सद्दकना, हमारे नबी जो पेश कर रहे हैं, हम अपने नबी की उन तमाम बातों पर ईमान लाते हैं। मेरे अजीज, यह है एक ईमान का तकाजा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कहें, जो करें, जो नबी से सुनें, उन बातों के ऊपर अमल करें। अल्लाह तबारक व तआला ने और सहाबे कराम ने माशाल्लाह इसके ऊपर अमल भी किया। चुनांचे आप देखें हजरत अली रजी अल्लाह तआला, एक नमूना मैं पेश करता हूँ सहाबे कराम की इताअत और इत्तिबा का। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंगूठी पहनी, दूसरे दिन देखा सारे सहाबा हाथों में अंगूठी पहने हुए हैं, सारे सहाबा अंगूठे पे हाथों में अंगूठी पहने हुए हैं। उन्होंने नहीं पूछा अल्लाह के नबी आपने क्यों पहनी,
दूसरे दिन जब नबी ने देखा कि सबके हाथों में अंगूठियां हैं, अल्लाह के नबी ने अंगूठी निकाली और उतार दी। तीसरे दिन देखा सारे के सारे हाथों से अंगूठियां निकली हुई। अल्लाह अकबर। देखें नबी की एक एक हरकत की इत्तबा। अल्लाह के नबी नमाज अदा फरमा रहे हैं, जूता पहन के नमाज अदा फरमा रहे हैं, और आपका हुक्म भी है कि मुसलमानों यहूदियों की मुखालफत करो, इसलिए कि यहूदी अपनी इबादतें नंगे पैर करते हैं, तुम अल्लाह की इबादत जूता पहन करके किया करो, इसमें यहूदियों की मुखालफत है। एक मौलवी ने किताब लिखी, बड़ा मजहका उड़ाया कि जूतों में नमाज पढ़ते हो, जालिम बेगैरत को क्या खबर, जो जिनका दिमाग फायर प्रूफ बना दिया गया हो, जिनका दिमाग फायर प्रूफ, समझते ना फायर प्रूफ, जो ये कहते हो कि हदीस फायर की तरह है, हदीस आग है, हदीस क्या है, आग की तरह है, तुम जिस तरह आग पर नहीं चल सकते और आग पे चलोगे तो तुम जल जाओगे, इसी तरह हदीस पे चलोगे तो जल जाओगे, जिनका नजरिया ये हो, जिनका ख्याल ये हो, तो उनका दिमाग जो फायर प्रूफ है, हदीस का दरवाजा बंद कर दिया गया है, और फिर वो जनाबे आली तकलीद और बुजुर्गों की बातें और इमामों की इनकी उनकी, उनके लिए वो क्या कहा, उसने कहा जूता पहन के नमाज पढ़ते हैं, मजाक उड़ाया। ये बताओ नबी की ये सुन्नत है, अगर तुम जूता पहन के नमाज पढ़ो तो कोई, ये इसीलिए है कि तुम जूता पहन के नमाज पढ़ो, कोई हर्ज नहीं है, जायज है तुम्हारे लिए, अल्लाह के नबी ने हुक्म भी दिया है तो पढ़ो, कोई हर्ज नहीं है, जहां तुम्हें तौफीक हो पढ़ो, सुन्नत को जिंदा रखो, समझ रहे। लेकिन उसने इसका मजाक उड़ाया है कि तुम क्यों नहीं जूता पहन के नमाज पढ़ते, उस जालिम को हम मानते हैं, पढ़ते भी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मौका मिलता है तो हम इस सुन्नत को जिंदा भी करते हैं। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जूता पहन के नमाज अदा फरमा रहे थे, जिब्रील आए, जिब्रील ने कहा ए अल्लाह के नबी, आपके नालेने मुबारक में, आपके जूते में गंदगी लगी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज की हालत ही में जूते उतार दिए, जूते उतार दिए। इतना देखना था, सारे सहाबा जो जूते पहन के नमाज पढ़ रहे थे, सबोंने नमाज में जूते उतार दिए। नमाज खत्म हुई, नबी ने देखा सारे के जूते उतरे हुए हैं, आपने फरमाया कि मैंने, मुझे जिब्रील ने बतलाया कि मेरे जूते में गंदगी लगी है, इसलिए मैंने जूते उतारे। मेरे सहाबा तुमने क्यों उतारे, उन्होंने कहा हम क्या जाने, हम क्या जाने, हमने देखा हमारे नबी ने जूता पहना, हमने भी जूते पहने, हमने देखा नमाज की हालत में हमारे नबी ने जूता उतार दिया, हमने भी जूते उतार दिए, हमें तो इसके सिवा कुछ मालूम भी नहीं है। अल्लाह अकबर। ये है इख्तिदा। ये क्या है? ओहो, हम जैसे लोग होते या आजकल के ये फरजाने होते बेचारे टुटपुजिए, ये फैजाने सुन्नत का, फैजाने बिदत फैलाने वाले। फैजान समझते किसको कहते हैं? फैजान कहते हैं सैलाब को। फैजान किसको कहते हैं? सैलाब को। हाँ, उसी को फैजानात भी बोलते हैं अरबी में, जहां सैलाब आते हैं। तो अल्लाह के ये सहाबे कराम रिजवानुल्लाह अलैहि मजमईन थे कि जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक एक तरीके को अपनी पेशानियों का झूमर बनाते थे। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु एक जगह घोड़े पे सवार हुए और हंसने लगे। कुछ लोगों ने कहा कि आप क्यों हंस रहे हैं, यहां तो कोई हंसने की बात ही नहीं। हंसते अली ने कहा कि मैंने इसी जगह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को घोड़े पे सवार होकर हंसते हुए देखा, मैंने भी इसी जगह पर घोड़े पे सवार होकर अपने नबी की सुन्नत को अदा किया है, हमारे नबी यहां हंसे थे इसलिए हम भी हंस रहे हैं। अल्लाह अकबर। एक सहाबी रसूल हैं, एक सहाबी रसूल हैं, एक और ये सब रिवायात बुखारी के अंदर मौजूद हैं, और एक सहाबी रसूल हैं, अल्लाह अकबर, एक सहाबी रसूल हैं, काफिले के साथ सफर कर रहे हैं, किसी रास्ते में थोड़ा सा घोड़ा मोड़ कर थोड़ा रास्ते के किनारे किनारे चलने लगे। लोगों ने पूछा कि आप रास्ते के किनारे किनारे क्यों चल रहे हैं, कहने लगे हमें क्या मालूम, हम इसी राह से एक दफा अपने नबी के साथ गुजर रहे थे, हमने इसी जगह पर देखा कि हमारे नबी घोड़े को किनारे किनारे लेके चल रहे थे, इसलिए हम भी अपने नबी की सुन्नत में किनारे किनारे लेके चल रहे हैं। तो ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा की इत्तेबा का जज्बा, और सहाबे कराम बिना किसी सोचे समझे अल्लाह के नबी की सुन्नतों को अपनाते थे, अमल करते थे, और उसको अपनी पेशानियों का झूमर बनाते थे, और अल्लाह के रसूल की इताअत और इत्तबा किया करते थे। मेरे अजीज, इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व रसूलहु, अल्लाह की इताअत करो और उसके रसूल की इताअत करो, वला तवल्लु अन्हु, और उनसे मुंह फेर करके न भागो, वा अंतुम तस्मऊन, और तुम नबी के कलाम को सुन रहे हो। और बेशुमार जगह पर अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नबी की इत्तबा का हुक्म दिया है, और जो लोग
नबी की इत्तेवा से मुंह मोड़ते हैं उनका हश्र भी बयान कुरान करीम में अल्लाह तबारक तआला ने यूं बयान फरमाया है कि यौमा यउज्जु ज़ालिमु अला यदैहि यकूलु या लैतनी इत्तखज़्तु मअर रसूल सबीला, कि कयामत का दिन होगा जालिम अपने हाथ काट रहे होंगे, अपने हाथ काट रहे होंगे अफसोस के साथ और कहेंगे हाय मेरी बदनसीबी, या लैतनी, हाय अफसोस, हाय अफसोस, इत्तखज़्तु मअर रसूल सबीला, हम अपने नबी के साथ होते, नबी की राहों पर होते, नबी के साथ होते, नबी की सुन्नतों के पैरोकार होते। या लैतनी लम अत्तखिज़ फलानन खलीला, हाय मेरी बदनसीबी, काश मैं फलां को अपना खलील ना बनाया होता, फलां को अपना दोस्त ना बनाया होता, फलां को अपना मुर्शिद और रहनुमा ना बनाया होता। नबी को छोड़कर हम फलां के हाथों पर खलील किसको कहते हैं? खलील बहुत गहरे दोस्त को कहते हैं, उसको ना बनाया होता। इसी तरह से अहादीस सुन्नत रसूल की मुखालिफत से डरना चाहिए। अल्लाह ने फरमाया फलयहज़रिल लज़ीना युखालिफून अन अम्री अन तुसीबहुम फितना औ युसीबहुम अज़ाबुन अलीम, जो लोग नबी की सुन्नतों की मुखालिफत करते हैं उन्हें डरना चाहिए कि कहीं दुनिया में वो किसी अज़ाब के मुस्तहिक ना हो जाएं, और अगर दुनिया में बच गए तो आखरत में वो अज़ाब से बच नहीं सकते हैं। मेरे अजीज, मेरे दोस्त, बहुत सारी अहादीस और बेशुमार आयतें इन मौजूआत पे मौजूद हैं। अर्ज करने का मतलब यह है कि नबी की सुन्नत का ये मकाम है, और सुन्नत किसको कहते हैं और हदीस किसको कहते हैं, दोनों में कोई फर्क नहीं है। हदीस भी वही है, सुन्नत भी वही है। जिनके दिमागों में फतूर है, जिनके दिमागों में खन्नासियत है, उन्होंने हदीस और सुन्नत का फर्क करके दीन को तकसीम किया हुआ है। हदीस भी वही है, सुन्नत भी वही है। हदीस तीन तरह की होती है, सुन्नत भी तीन तरह की होती है। उसी को हदीस कहो, उसी को सुन्नत कहो। सुन्नत है अल्लाह के नबी ने जो फरमाया, यह भी सुन्नत। अल्लाह के नबी ने जो अमल किया वो भी सुन्नत, और जो सहाबा ने अमल किया और अल्लाह के नबी ने देखा और आपने खामोशी अख्तियार की वो भी सुन्नत है। सुन्नत तीन किस्म की होती है, सुन्नत कौली आपने जो फरमाया, सुन्नत फेली या हदीस फेली जो आपने किया, सुन्नत तकरीरी या हदीस तकरीरी जो सहाबा ने किया और आपने उसका इकरार फरमाया। खामोश रहे, ये तीन तरह की सुन्नत होती है। और हमारा ईमान, अकीदा और अमल और अखलाक और मामलात, ये सारी चीज़ें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के और कुरान के मुताबिक होनी चाहिए। हम ईमान और अकीदा कहाँ से लेंगे, कहाँ से लेंगे? अल्लाह के कुरान से और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान से लेंगे। हमारे अकीदे और ईमान की इस्लाह यहीं से मुमकिन है, इसके अलावा और कहीं से मुमकिन नहीं है। जो इसके मुखालिफ हैं उसको हम कुफ्र समझते हैं, उसको हम शिर्क समझते हैं, उसको हम बिदात समझते हैं, उसको हम हराम समझते हैं। ठीक है, हमारा ईमान, हमारा अकीदा, कुरान और सुन्नत, जो भी सुन्नत है हम उसको मानते हैं और उसके ऊपर अमल करने की कोशिश करते हैं। अब आइए इस मुख्तसर सी सुन्नत की इत्तेबा और सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी के बाद ये मुख्तसर सी चीज, ये फैदाने सुन्नत जिसका नाम रखा गया, ये फैदाने सुन्नत मेरे हाथ में है। इसके लिखने वाला मोहम्मद इलियास कादरी, जिसको खारा दर कराची, और कीमत इसकी 110 रुपए है। और जनाब अली ये तहरीक दावत इस्लामी के बहुत बड़े फाउंडर हैं और बहुत बड़े यानी क्या कहते हैं, बुजुर्ग माने जाते हैं। इसके ऊपर जूते की तस्वीर बनी हुई है। ये फर्दी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जूते का नाले मुबारक का नक्शा बनाया गया है। इसी तरह से मौलाना अशरफ अली साहब थानवी ने भी अपनी किताब में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाले पाक का नक्शा बनाया है। और इस नक्शे के ऊपर क्या लिखा है इसने, पादड़ी साहब ने, इसने लिखा है जो सर पे रखने को मिल जाए नाले पाक के हुजूर तो फिर कहेंगे कि हाँ ताजदार हम भी हैं। इस नाले पाक के क्या फैजानात हैं और क्या बरकात हैं ये मैं अंदर बताऊंगा इंशाल्लाह, फिलहाल आप इतना रखें। और हजरत ने किताब की शुरुआत की है, किताब की इब्तिदा की है, जनाब अली सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या है कि जब भी किताब हो या कोई भी चीज हो शुरुआत की जाए तो किससे की जाए, बोलो माशाल्लाह, अल्लाह तबारक आप लोगों को जज़ाए खैर दे, बिस्मिल्लाह से। लेकिन आला हजरत ने ये अमीर तहरी दावत इस्लामी इस किताब की शुरुआत किससे कर रहे हैं मालूम है? इस किताब की शुरुआत कर रहे हैं 786 बटा बांध से। यह है फैजाने सुन्नत। इनसे पूछो प्यारे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, ये 786 बटा बानवे, जरा मीठे मीठे बिदती भाइयों, ये कौन सी सुन्नत है?
बतलाओ जरा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतलाया है, फिर ये 786 क्या है ये बोलो। कहेंगे ये बिस्मिल्लाह का की गिनती है। तो हमने कहा भाई बिस्मिल्लाह की गिनती है तो पूरे कुरान की बना के लपेट लो, बिस्मिल्लाह पे क्यों इत्तेफाक किया इन्होंने, पूरे कुरान की, और पूरे कुरान की ये बना भी चुके हैं। हाँ, और एक दौर आएगा देखना कि 786 और बिस्मिल्लाह का भी कुछ बना के, और जनाब अली पूरे कुरान को मसलन 1550 करके पूरे नमाज में पढ़ेंगे, कहेंगे ये पूरे नमाज का पूरा कुरान पढ़ लिया गया है। बोलो इनसे ये बताओ ये कुरान की तहरीफ नहीं है? कुरान की तहरीफ यहूदियों ने की, अपने अपने तौरेत और जबूर की तहरीफ की यहूदियों, और नसरानियों ने इंजील की तहरीफ की। अल्लाह ताला ने उन्हें लानती करार दिया, और तुम कुरान को गिनतियों में लिखते हो तो तुम लानती नहीं हो? बोलो। और अगर कोई शख्स खाना खाते वक्त 786 कह ले, बीवी से हम बिस्तरी को 786 कह ले, हाँ हमारे यहां फिल्में भी 786 के नाम की निकलती। इस साल ख्वाजा गरीबुन नवाज का, ख्वाजा गरीबुन नवाज हमारे यहां ना अजमेर वाले सूफी मनफ जो दाता के कबर पर मुजावर थे परसों, पता है ना आपको? हाँ, वो ख्वाजा गरीबुन नवाज, गरीबों ही को नवाजते हैं, अमीरों का कोई और है, समझ रहे हैं? वो गरीब, हिंदुस्तान वाले अपने आप को गरीब ही कहते हैं। तो जनाब अली वो ख्वाजा गरीबुन नवाज, वो भी क्या कहते हैं, सात सौ छियासी, इस साल गरीब नमाज का भी 786 वहां उर्स हुआ है। हाँ, 786 का क्या हुआ है? उर्स हुआ है। और पाकिस्तान और बांग्लादेश और हिंदुस्तान से ट्रेनें बुक हो करके जनाब अली अजमेर आई हैं, ट्रेनें बुक हो करके आई हैं। कौन सा उर्स है? 786 का उर्स। और एक मुल्ले ने कुछ दिनों पहले रमजान में पता नहीं कौन सी तारीख को कहा कि ये आज का रोजा 786 मिनट का रोजा है। कितने मिनट का? ये भूत देखें यहूदियों का कैसा सवार हुआ है, कुरान करीम को किस तरह से ये तब्दील कर रहे हैं, कुरान करीम को गिनतियों में लिख रहे हैं। ये बताओ ये इस्लाम है या कुफ्र है? ये इस्लाम नहीं, ये कुफ्र है। तुमने अपने किताब की इब्तिदा की बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से नहीं, तुमने 786 और वो भी बटा बानवे, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम रखा गया क्या? बटा बानवे। इलियास पादड़ी को कोई पूछे कि अगर तेरा इलियास कादरी जो नाम है, इस नाम का अगर सपोज नंबर 420 निकले तो तुझे कोई इलियास कादरी न कहे और कहे 420 जरा इधर आओ, तो तुझे तकलीफ होगी या तुझे खुशी होगी? बोलो बोलो, इसे तकलीफ होगी कि खुशी होगी? गम होगी, गम होगा या खुशी होगी? बोलो। तू मेरे नबी का नाम बिगाड़े, तू मेरे नबी के नाम की गिनती निकालकर बानवे कहे, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिस नबी का नाम अल्लाह ने कुरान में लिख करके अपने नबी के नाम को नहीं बुलाया या मोहम्मद, उस नबी की ये शान, और उस नबी के नाम की तू गिनती बनाकर तू फैजाने सुन्नत लिख रहा है या फैजाने कुफ्र बयान कर रहा है? यह नबी की तौहीद है या नबी की मोहब्बत है? हमको बतलाओ जरा ईमान, इंसाफ करो, क्या इसकी ताबील करेगा यह? ये मीठे मीठे लोगों को, मीठे मीठे जिनकी जेबें भरते ना, मीठे 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 बड़ी जल्दी आ जाते हैं हाथों में, मीठे मीठे भाइयों को बेवकूफ बना रहे वहां रहे। और हमारे ये दावत इस्लामी के, अल्लाह इन्हें हिदायत अता फरमाए और इस मनहूस पादड़ी की, इस खुराफात को समझने की तौफीक अता फरमाए। और उसके बाद लिखता है अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, इससे पूछो जो रविश रविश पर बिदअतें ईजाद कर रहा है, क्या हमारे नबी ने इस तरह दरूद पढ़ने का हुक्म दिया है?